가져와. 방탄은 처음이지? Hey, Ami, 사랑해요. In my love story, get part 9 해. 이 papa, papa. 내게 문세 papa 손걸 사례 employee 서고 자대. papa, boss 게 कितनी बड़ी बेटी भी है और हमें पता भी नहीं. तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें जोन फैमिली के बारे में सब कुछ पता है. नहीं, पर बॉस की इतनी बड़ी बेटी है पहले तो नहीं पता थी. वो जो भी हो हमें क्या करना है उसे. पर है बहुत ही प्यारी. सही कहा तुमने. ए पापा पापा. आराम से बेटा. वाइन, क्या तुम प्लीज ये लंच बॉक्स जेहोब को दे दोगी. मैं चली जाती पर मुझे सुगा और चौंकू को भी लंच बॉक्स देना है तो. कोई बात नहीं जिमिन, मैं दे दूंगी. थैंक्स वाइन. अरे इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ. बाय जिमिन. बाय वाइन, फिर मिलते हैं. देन जिमिन वाइन को बाय बोलकर आरएम और ते के पास आती है. अरे जिमिन बेटा आओ. पापा ये रहा आपकी लंच. देन जिमिन आरएम अंते वहां से चले जाते हैं. आरएम उसके ऑफिस में और जिमिन अंते जाते हैं जोंगकुक के पास. ते ये रहा जोंगकुक के केबिन. उसके अंदर ही जोंगकुक है. जाओ चर्च में किम्मी. तो चलो अंदर जाते हैं. नहीं ते तुम अंदर जाओ, मैं सुगा के पास जाती हूँ. ठीक है किम्मी. देन जिमिन जोंगकुक ऑफिस के डोर पर नॉक करती है और वहां से चली जाती है. कम इन. देन ते ऑफिस रूम के अंदर जाती है. हाँ लिली, आज के सारे मीटिंग कैंसिल कर दो और हाँ मिस्टर चोई को भी मेल कर देना. दादा. जोंगकुक ये सारे बातें बिना सामने देखे ही बोल रहा था और जैसे ही जोंगकुक एक फैमिलियर वॉइस सुनता है वो कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है. शायद मुझे गलत फहमी हुआ है. मेरी एंजल यहाँ पर. नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है. दादा. दूसरी बार जब जोंगकुक सेम फैमिलियर वॉइस सुनता है तब जोंगकुक सामने की तरफ देखता है. एंजल, क्या ये सच में मेरी एंजल है. नहीं नहीं जोंगकुक, एक तू क्या सोच रहा है. एंजल, एंजल वहां पर कैसे आ सकती है. शायद मुझे हलोसिनेशन हो रहा है. दादा क्या सोच रहे हो. एंजल, बाबा के सच में तुम हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ. दिन जोंगकुक अपने प्लेस से उठकर ते के पास जाता है. एंजल, बाबा क्या सच में तुम हो. हाँ दादा, ये सच में मैं ही हूँ. पर एंजल, तुम यहाँ पर कैसे आए. किसके साथ आए हो. जिम्मी के साथ और मैं आपके लिए लंच भी लेके आई हूँ. हाँ मैं क्यूट एंजल. दिन जोंगकुक ते के फोरहेड पर किस करता है और दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं. कमिन सर, आपके घर से लंच आया है. वहाँ टेबल पर रख दो. दिन वाइन लंच बॉक्स टेबल पर रखकर बाहर जा ही रही होती है कि तभी. वाइन सुनो. जी सर. क्या तुम लंच कर चुकी हो. नहीं सर अभी नहीं, बस एक छोटा सा काम है उसे खत्म करते ही मैं लंच कर लूंगी. क्या मैं अभी जाऊं. ओ वाइन. जी सर. ओ एक्चुअली वाइन, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी. प्लीज वाइन मना मत करना क्योंकि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है. प्लीज वाइन. पर सर. प्लीज वाइन. ठीक है सर. देन वाइन एंड जे होप साथ में मिलकर
करते हैं। दादा हो गया और नहीं खा पाऊंगी। बस बस वन लास्ट बाइट बाबा। गुड गर्ल। और वाइन फाइल लेने के लिए जोंको के कैबिन में जाती है। सुगो छोड़ो मुझे। बेबी सॉरी ना, तुम अभी तक मुझ पर नाराज हो। अच्छा ठीक है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। सच कह रहे हो ना? हाँ बाबा, चलो चलते हैं। पर ते डोंट वरी, मैं जोंको को कॉल करके बता देता हूँ कि वो उसके साथ ते को घर ले जाएगा। अच्छा ठीक है। दिन सुगा जोंको को कॉल करके बताता है कि वो और जिमिन बाहर जा रहे हैं। दादा। हाँ एंजल। दादा पता है मैंने एक न्यू फैन बनाई हूँ। अच्छा, मेरे एंजल तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ दादा मैं स्मार्ट हूँ। इस वक्त कौन है? कम इन। सर जेहोब सर ने मिस्टर चोई के फाइल मंगवाए हैं। दादा मैं कह रही थी ना मैं एक न्यू फ्रेंड बनाई हूँ। ये लगी मेरी न्यू फ्रेंड। दिन ते वाइन के पास जाती है। अरे वाइन उन्नी। हाय ते। हाय वाइन उन्नी। उन्नी चलो ना गेम खेलते हैं। ते वाइन अभी तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल पाएगी। क्यों दादा? मुझे उन्नी के साथ गेम खेलनी है। प्लीज दादा प्लीज। ते को इतने क्यूटली जिद करते हुए देखकर जोंको और वाइन दोनों ही मान जाते हैं। सॉरी वाइन, क्या तुम प्लीज थोड़ी देर ते के साथ रहोगी? प्लीज सर डोंट से सॉरी। बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगेगा अगर मैं ते के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर पाऊँ। थैंक्स वाइन। बट सर ये फाइल। डोंट वरी, मैं किसी और के हाथ ये फाइल भेज देता हूँ। दिन जोंगकुक एक एम्प्लॉय को बुलाता है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये फाइल लेकर जेफ सर के ऑफिस में दे दो। और हाँ, उन्हें कहना मीटिंग खत्म होने के बाद मुझसे मिलकर जाए। जी सर। हे आमी, क्या होता है ते के साथ जब सुबिन और ते आमने सामने मिलते हैं? और कौन है ये सस्पिशियस लड़की? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय आमी।